गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, किसी ने सच ही कहा है कि इफ यू आर द मास्टर ऑफ लैंग्वेज यू विल बी द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स अगर आप लैंग्वेज के मास्टर हैं तो आप दुनिया के मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज में वो पावर है और हर किसी का लैंग्वेज एक जैसा नहीं हो सकता और लैंग्वेज में हर कोई स्मार्ट नहीं हो सकता। So, आज मैं लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूं और ये लैंग्वेज कैसे सीखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो अच्छा बोल लेता है वो अच्छा लिख भी लेता हो, या फिर जो अच्छा लिख लेता है वो अच्छा बोल भी लेता हो। बट वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि जो अच्छा बोल लेता है ही अचीव्स मोर रिस्पेक्ट, ही गेन्स मोर पावर ऑल्सो। तो वट इज अ लैंग्वेज? Language is a medium by which we expresses our emotion and we feel the emotion of others. हम language के माध्यम से activities को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, कोई क्या कहा इस चीज को हम language के माध्यम से जानते हैं। From where language comes? Language आता कहाँ से? तो language comes from words, sentences, letters. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रामर। ग्रामर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो ग्रामर्स के चैप्टर्स हैं, अ लॉट ऑफ चैप्टर्स आते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो बेसिक चैप्टर्स है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप कि आपको पता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि बचपन से ये बच्चों को पढ़ाई जाती है। इनफैक्ट मैंने भी अपने प्राइमरी स्कूल में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था और स्टिल आई रिमेम्बर दैट। तो देयर आर बेसिकली 8 ग्रुप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। वैसे तो सारे ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे ग्रुप्स को जानने के बाद ही आप इंग्लिश को अच्छी तरह से जान पाते हैं, लेकिन एक ही दिन में सारे ग्रुप्स को जान पाना और उस पर डिटेल स्टडी कर पाना, इट इज अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। सो आज के इस क्लास में मैं आपको बात करने वाला हूं एक बहुत ही खास चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसका हिंदी वर्ड संबंध बोधक भी होता है। तो गाइस, प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बचपन से अभी तक पढ़ाई गई होगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रीपोजिशन को समझ नहीं पाते हैं, जब भी वो स्टडी करते तो इट इज अ बिट लेंथी एंड वेरी मच कंफ्यूजनेबल। समटाइम्स लोग कंफ्यूज हो जाते बिकॉज प्रीपोजिशन इज अ वेरी बिग चैप्टर। तो व्हाट इज अ प्रीपोजिशन? बिगिनिंग से हम शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन सिंपल से डेफिनेशन है, द वर्ड which is used before a noun or a pronoun. Remember, the word which is used before a noun or a pronoun to show a relation in a sentence is called preposition. Just an example, you are sitting on the chair. तो अगर last word को हम पकड़े the chair, तो chair is a noun. और इससे पहले ऑन का यूज हुआ, ऑन द चेयर, आप कुर्सी के ऊपर बैठे हैं या फिर कुर्सी पर बैठे हैं। तो व्हाट इज दैट? यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, इसमें ऑन प्रीपोजिशन है। सिमिलरली बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, लाइक आई एम सिटिंग इन द रूम, तो इन इज अ प्रीपोजिशन बिकॉज रूम इज अ नाउन। तो व्हाट इज दिस? इन और ऑन को आपने देखा कि दिस इज अ प्रीपोजिशन। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन का चैप्टर बहुत बड़ा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसके लिए इसके काइंड्स को समझना बहुत जरूरी है। और बेसिकली सिंपल प्रीपोजिशन जो होते हैं उन्हें हम थ्री काइंड्स में डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन कैन बी यूज्ड इन थ्री स्टाइल्स। फर्स्ट वन इज पोजिशनल प्रीपोजिशन, फर्स्ट वन इज पोजिशनल प्रीपोजिशन, द सेकेंड वन इज टाइम प्रीपोजिशन,
and the third one is general or abstract or meaningful preposition. It has got three names: general preposition, abstract preposition or meaningful preposition. So right now मैंने आपको बताया कि there are how many kinds of preposition? Three kinds of preposition: simple preposition, positional preposition, time preposition and meaningful preposition. एक छोटा सा हम preposition choose करते हैं by, by. तो by, by जो preposition है इसका use आप positional में कैसे करेंगे, time में कैसे करेंगे और meaningful, general, abstract में कैसे करेंगे. तो मैं सबका एक example देना चाहता हूं. Like अगर मैं बोलूं कि you are sitting by my friend, तो you are sitting by my friend इसका मतलब हो गया कि आप मेरे दोस्त के बगल में बैठे हैं. तो चूंकि बगल जो है दोस्त एक जगह पे बैठा हुआ है और उसके बगल में आप बैठे हुए हैं तो ये आपके जगह को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है, प्लेस को दिखाता है. वो प्रेपोजिशन जो प्लेस और पोजीशन के बारे में बताया उसे कहते हैं पोजिशनल प्रेपोजिशन. मूविंग टू द नेक्स्ट, टाइम प्रेपोजिशन. अगर मैं कहूं कि ही विल कम बाय 5 o'clock इसका मतलब होगा कि वह 5 बजे तक आएगा. तो मैं देख पा रहा हूं दोस्तों कि 5 बजे इज अ टाइम, एक समय है और वो प्रेपोजिशन जो समय को रिप्रेजेंट करता हो, बताता हो, तो उसे टाइम प्रेपोजिशन कहते हैं. ठीक ऐसे ही अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं तो माय ब्रदर इज कमिंग बाय ट्रेन, मेरा भाई ट्रेन से आ रहा है, तो यहां ना ही समय की चर्चा हो रही है और ना ही जगह की चर्चा हो रही है. यहां उसके मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही कि मेरा भाई किस चीज से आ रहा है. तो माय ब्रदर इज कमिंग बाय ट्रेन, मेरा भाई ट्रेन से आ रहा है, रेलगाड़ी से आ रहा है. तो यहां पे बाय ना पोजिशनल है और ना टाइम है, यहां पे बाय मीनिंगफुल प्रेपोजिशन है. तो आपने बाय को देखा पोजिशनल प्रेपोजिशन में कैसे यूज करेंगे, टाइम प्रेपोजिशन में कैसे यूज करेंगे और मीनिंगफुल प्रेपोजिशन में कैसे यूज करेंगे. बात करें हम पोजिशनल प्रेपोजिशन का, तो पोजिशनल प्रेपोजिशन में मैं आपको 3 examples देना चाहूंगा, ऑन, ओवर, एवर. ऑन, ओवर, एवर. जब ऑन, ओवर, एवर का आप लिटरली हिंदी मीनिंग्स फाइंड आउट करेंगे तो ऑन मीन्स पर या फिर के ऊपर, ओवर मीन्स ऊपर, के ऊपर और पर, और एवर मीन्स भी होता है पर और के ऊपर. तो ऑन, ओवर, एवर तीनों का तो एक ही हिंदी मीनिंग हो गया. तो अक्सर स्टूडेंट्स और रीडर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं कि ऑन तो ऊपर दिखाता है बट ऑन शोज टचिंग. ऑन शोज टचिंग, जैसे मेरे लैपटॉप जो है ये टेबल को टच कर रहा है, तो माई लैपटॉप इज ऑन द टेबल. जबकि ओवर जो है वो टचिंग शो नहीं करता है, मीन्स समथिंग विच इज अपसाइड विदाउट टचिंग एनी ऑब्जेक्ट. जैसे मैं बोलूंगा देयर इज अ फैन ऑन माय हेड इज रॉन्ग, ओवर माय हेड, क्योंकि वो मेरे हेड में टच नहीं कर रहा. और एवर की बात करें तो बहुत ही ऊपर की बात करता है, वेरी हाई. कोई भी ऑप्टिकल, कोई भी सब्सटेंस का बहुत ही ऊपर हो तो वो ओवर ना होकर एवर हो जाता है. जैसे द सन शाइन्स एवर द अर्थ, द मून शाइन्स एवर द अर्थ, वो बहुत ऊपर की बात की गई. ऑन शोज टचिंग, ओवर शोज हाई, नॉट वेरी हाई, एंड एवर शोज वेरी हाई. तो ऑन, ओवर, एवर मैंने आपको पोजिशनल प्रीपोजिशन से बताया. बात करिए टाइम प्रीपोजिशन का, तो टाइम प्रीपोजिशन में अगर मैं बात करूं इन, आई एन इन, इन मीन्स मैं आधे घंटे में आता हूं, तो आई कम इन हाफ एन आवर. ऑन, ऑन मीन्स पर, बट टाइम प्रीपोजिशन में ऑन मीन्स को लिटरली मीनिंग नहीं होता है. वैसे आप को बोल सकते हैं, जैसे वह सोमवार को आएगा, ही विल कम ऑन मंडे. तो इन में आप देख सकते हैं टाइम को दिखाएंगे, ऑन में आप देख सकते हैं टाइम को दिखाएंगे. लेकिन मीनिंगफुल प्रीपोजिशन में कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती है, जैसे वेद,
डब्ल्यू आई टी एच विद, विद मीन्स के साथ, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू, यहां पे पोजिशन भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। फिर मैं अगर बात करूं दैट वह मुझे बार बार प्रश्न पूछ रहा था, तो आप बोलेंगे ही वाज आस्किंग क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, वह क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा था, इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने इस वीडियोस में आपको पोजिशनल प्रीपोजिशन, टाइम प्रीपोजिशन और मीनिंगफुल प्रीपोजिशन, तीनों प्रीपोजिशन की चर्चा एक साथ करी है और कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास, होप कि प्रीपोजिशन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, हैप्पी स्टे एट होम, हैप्पी लर्निंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।